हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज भंडारण के बारे में। इसके लिए फार्म कैसे बने, इसके ऊपर हमें कितनी सब्सिडी मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू सबसे करते पहले हैं। आपको इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उद्यानिकी विभाग के पत्र क्रमांक 2022-23 दिनांक 16/12/2022 के माध्यम से जारी किए गए निर्देश अनुसार यह सारी आपको लॉटरी के संबंध में सूचना दी गई है और ये आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ 5वें नंबर पे दिया है योजना में प्याज भंडार गृह विस्तृत जानकारी, तो यहाँ से आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस पे हमें आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ 20 तारीख तक का समय दोस्तों, सिंपली हमको यहाँ से इसे बैक कर देना है। और यहाँ अगर आपका यहाँ पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, कृषक लॉगिन पे। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं तो यहाँ आपको यहाँ नवीन पंजीयन पे आना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा दोस्तों। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी भेजे पे क्लिक करना है। सत्यापित करने के बाद ये तीन ऑप्शन आपके सामने आएंगे, तो यहाँ पे आपको कृषक पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको संभाग चयन कर लेना है। यहाँ से आपका जो भी संभाग हो वो आपको, जैसे भोपाल सीहोर में भोपाल कर देता हूँ, यहाँ से आपको जिला चयन कर लेना है। सिंपली मैं सीहोर कर देता हूँ। यहाँ से आपको अपना वर्ग क्या है, आपका अनुसूचित सामान्य, उसके बाद यहाँ से आपको अपना लिंग चयन कर लेना है, पुरुष या महिला। उसके बाद यहाँ पे अपनी कुल भूमि क्षेत्र डाल देना है, क्या आपका भूमि क्षेत्र, यहाँ आप डाल सकते हैं जो भी आपका है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आपको विकास खंड चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे शीर्षक नाम जैसे जो भी होता है श्री श्रीमती वो चूज कर लेना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है यहाँ पे, उपनाम। उसके बाद अपना यहाँ पे पासबुक में जो नाम है वो, या आधार के नाम, आधार में जो नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे पिता पति का नाम जो भी है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना पता एड्रेस डाल देना है। उसके बाद पिन कोड डाल देना है। उसके बाद मेल आईडी डाल देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपने सिंचाई के स्रोत डाल देना है, नलकूपे क्या है, जो भी कुआँ है, तालाब वगैरह, यहाँ पे खसरा क्रमांक, यहाँ खसरा अनुसार। और यहाँ पे डालने के बाद खसरा जोड़े पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना, नीचे जो जानकारी दी गई है यहाँ पे हमारे बैंक का आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, बैंक का पूरा नाम, ब्रांच का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे हमें इन सब चीज़ों के, जैसे हमारा एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है, खसरा नंबर लगाना है, उसके बाद बैंक पासबुक लगाना है, जाति प्रमाण पत्र अगर है तो वो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से सुरक्षित करें। उसके बाद सिंपली सुरक्षित करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे आ जाएं, कृषक लॉगिन पे आने के बाद, सुरक्षित करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे आ जाएं। उसके बाद जो हमने वहाँ पे मोबाइल नंबर डाला था वो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। इसके बाद है वे पासवर्ड, अगर हमारे पास पासवर्ड है तो पासवर्ड पे क्लिक करना है। अगर हमारे पास पासवर्ड नहीं है, आपने अभी रजिस्टर्ड किया था, आपके पास पासवर्ड नहीं, यहाँ से आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है और कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के है वो ओटीपी पे क्लिक करना है और यहाँ से ओटीपी डाल के वन टाइम पासवर्ड हमारा बना लेना है। उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ हमारा पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे हमें अप्लाई करना है। फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, तो आपको सिंपली यहाँ से नवीन योजना में आवेदन करने हेतु यहाँ पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको योजना चुनना है दोस्तों, यहाँ से आपको योजना चुनना है। आप यहाँ से योजना चुन सकते हैं, तो हमें प्याज में करना है, प्याज भंडारण में, तो हमें नस्वर उत्पादों की भंडारण क्षमता में वृद्धि, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फसल सामग्री पे
प्याज भंडार गृह चूज़ कर लेना है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ से हमें संख्या प्रविष्ट कर देना है लाभ लेने के लिए। सिंपली दो कर एक ही करता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाना है, स्वयं सत्यापित विगत 7 वर्षों में मैंने कोई लाभ नहीं दिया, इस पर टिक कर देना है। सिंपली नीचे आ जाना है, यहाँ पे हमें ये कैप्चा फिल कर देना है दोस्तों, यू ई उसके बाद योजना जोड़े पे क्लिक कर देना है दोस्तों। अभी दोस्तों लक्ष्य उपलब्ध नहीं है इसलिए बता नहीं रहा, जब यहाँ पे लक्ष्य उपलब्ध होगा हो जाएगा तो आप योजना जोड़े पे क्लिक करेंगे तो ये आवेदन आपका उद्यानिकी विभाग में चला जाएगा। और अगर आपका नाम उसमें खुलता है तो आपको सिंपली उसका लाभ मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।